राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की मरीजों की संख्या बढ़कर 52 पर पहुंच गई। दो और कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। आपको बता दें अजमेर और भीलवाड़ा में एक एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया और इसी के साथ में आंकड़ा बढ़कर 52 तक जा पहुंचा। अजमेर में पहला कोरोना पॉजिटिव मिला है, वहीं भीलवाड़ा में अब तक 22 मरीज सामने आ गए हैं। राजधानी जयपुर में 10, जोधपुर में 6, झुंझुनू में 6, प्रतापगढ़ में 2, डूंगरपुर जिले में 2, सीकर और पाली और चूरू में एक एक कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और इसी के साथ में कुल मिलाकर जो राजस्थान में आंकड़ा है वो 52 पर पहुंच गया है कोरोना संक्रमित मरीजों का अभी तक। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता लोकेश ओला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, 52 आंकड़ा यहां पहुंच गया है, बेहद गंभीर स्थिति लगातार राजस्थान में भी बनती जा रही है। भीलवाड़ा से 22 केसेस सामने आए हैं, किस तरीके से हालातों को काबू में करने की यहां पर प्रशासन के द्वारा कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल जयती, राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 52 पहुंच गया है और आज तो नए कोरोना पॉजिटिव सामने आने के बाद में स्थिति और गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से भीलवाड़ा में एक 21 वर्षीय युवती कोरोना पॉजिटिव मिली है, वहीं अजमेर में एक 23 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव सामने आया है। इसके बाद में अब तक अजमेर में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया था, उसके बाद में आज एक कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद में अजमेर में स्क्रीनिंग तेज से कर दी गई है और साथ ही जिस जगह पे कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया था उसके 1 किलोमीटर के क्षेत्र में जो स्क्रीनिंग है वो चिकित्सा विभाग की ओर से साथ साथ बताना चाहूंगा की जयपुर में जिस तरह से जो शाम को रामगंज क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया, जो चार दीवारी क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया ताकि कोई भी बाहर आ जाना सके और जो स्क्रीनिंग है वो मॉनिटरिंग वो अच्छे से हो सके। और इसी के साथ में जिस तरह से भीलवाड़ा में अब तक 22 केसेस सामने आ चुके हैं जो एक बड़ा आंकड़ा भीलवाड़ा का है, वहीं भीलवाड़ा में अब तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इनमें से एक जो बुजुर्ग था मौत हुई थी, उनके परिजन भी इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से एक और बताना चाहूंगा, डूंगरपुर में देर रात जो आंकड़े है उनमें पिता और पुत्र दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो इंदौर से डूंगरपुर बाइक के जरिए वहां यात्रा की थी और इसी दौरान वो संक्रमित हुए थे। और इसी तरह लगातार जो जहां जहां कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं और वहां पर सरकार की ओर से कर्फ्यू लगाया जा रहा है और वहां पर जो स्क्रीनिंग है वो तेजी की जा रही है। बात करें झुंझुनू की तो झुंझुनू में और चूरू में भी जिस तरह से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद में वहां पर चूरू में करीब 18 गांव में जो सीज किया गया है, वहां से कोई बाहर आ जा नहीं सकता, वहां पे अब डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जाएगी चिकित्सा विभाग की ताकि वहां पर जो सिम्टम्स पाए जाने वाले सभी लोगों के उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी और उनको आइसोलेट किया जाएगा। और इसी तरह बताना चाहूंगा कि जिस तरह से चिकित्सा विभाग गंभीरता से काम कर रहा है, जिला प्रशासनों और जिला सीएमएचओ को इतनी जिम्मेदारी वो दी गई है, साथ ही जो अतिरिक्त चिकित्सक है वो वहाँ पे लगाए गए हैं। साथ ही बताना चाहूंगी अन्य विभागों के जो चिकित्सक है उनको भी संबंधित जिला सीएमएचओ है उनसे निर्देशित करके उनको भी वहाँ। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद लोकेश। आपको बता दें राजस्थान में लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है, 52 अब कोरोना के पॉजिटिव सामने आ गए हैं। भीलवाड़ा से सबसे ज्यादा केसेस अभी तक दर्ज किए गए हैं, 22 कुल संख्या बताई जा रही है। इसी बीच 2 और कोरोना पॉजिटिव यहां पर प्रदेश से सामने आए हैं। राजस्थान में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और 52 मरीजों की संख्या अब तक पहुंच चुकी है। कल तक बताया जा रहा था कि 50 और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता योगेश शर्मा हमारे साथ भीलवाड़ा से जुड़ चुके हैं। योगेश, आपसे जानना चाहूंगी 22 यहां पर कुल संक्रमित, प्रदेश का वो जिला जिसमें सबसे ज्यादा संक्रमण का प्रभाव यहां पर और खौफ देखा जा रहा है, 2 लोगों की मौत भी हो गई, क्या कारण बताया जा रहे हैं और भीलवाड़ा का जो अभी स्थानीय प्रशासन है किस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं करके बैठा है और कितना पॉजिटिव है आगे की जो स्थितियां बिगड़ सकती है उनसे निपटने के लिए? भीलवाड़ा में जो आज एक और पॉजिटिव संक्रमण हुआ है, कुल 22 संख्या होगी, वो सभी एक ही निजी हॉस्पिटल से संबंधित रखते हैं जी। जो ब्रजेश बांगड़ निजी अस्पताल है उसमें पॉजिटिवों की संख्या सारी वहीं से है, वहाँ के जो कार्यरत डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और पेशेंट सबको मिला के ये संख्या 22 हो चुकी है। और आज जो महिला पॉजिटिव आई है वहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर थी जी। और उसको भी संक्रमण हो गया, उनको क्वारंटाइन रखा गया था लेकिन आज उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आने से उनको आइसोलेशन में रखा गया है जी।
योगेश आगे किस प्रकार से भीलवाड़ा का जो स्थानीय प्रशासन है उससे आपने जरूर बात की होगी, यकीनन इस चीज को लेकर काफी गंभीर अब तक ही सभी लोग हो चुके होंगे, क्योंकि जो संख्या है आंकड़ा है 22 सबसे ज्यादा प्रदेश का यहाँ बताया जा रहा है, और जिस प्रकार से चेन यहाँ पर जुड़ती जा रही है बेहद गंभीर है ये मामला। भीलवाड़ा में इस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है, अब तक प्रशासन ने 1541 कमरे तैयार किए हैं जिसमें 700 को अभी क्वारंटाइन किया हुआ है, निजी अस्पताल हो चाहे होटल हो चाहे धर्मशाला है सबको अधिकृत कर किया हुआ है, मैं सामान और मैं स्टाफ के जी जी जी, और अब तक प्रशासन ने जो पूरे शहर में खाद्य सामग्री और अन्य चीजें उपलब्ध कराने के लिए होम डिलीवरी के लिए गाड़ियां लगा रखी हैं, आवश्यक चीजों को दुकानें खोल रखी हैं, प्रशासन ने अपनी तरह से पूरी कोशिश की है, पूरी पुख्ता इंतजाम किए हैं कि आम आदमी को घर बैठे व्यवस्थाएं हो सके और वो बाजार में न निकलें, क्योंकि प्रशासन ने कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने विशेष निवेदन किया है कि अपने घर पे रहकर अपने परिवार और स्वयं को बचाएं। जी तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद योगेश, आपको बता दें राजस्थान से आपको लगातार हम यहां पर ताजा आंकड़े बता रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है बढ़कर 52 तक जा पहुंची है, भीलवाड़ा से एक केस और एक केस पहला जो है वो अजमेर से यहां पर सामने आया, इसी के साथ में कुल 52 मरीज राजस्थान में संक्रमित इस वायरस के पाए जा चुके हैं।